हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ सूजी के गुलाब जामुन। वैसे तो आपने मावा के, खोए के गुलाब जामुन खाए होंगे, रसगुल्ले खाए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ सूजी के गुलाब जामुन जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सूजी के गुलाब जामुन खा रहे हो या फिर मावे के गुलाब जामुन खा रहे हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में 1.5 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। 1.5 कप पानी के साथ यहाँ पर मैंने डाली है 1 कप चीनी। तो चीनी डालने के बाद गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे चलाते हुए आराम से चीनी को पानी के साथ घोल लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे घोलने में। और जो आपको चाशनी चाहिए, चाशनी ना तो आपको एक तार की चाशनी चाहिए और ना ही दो तार की चाशनी चाहिए, मतलब कि जो चाशनी होगी वो ऐसा हो ताकि आप जब आप इसे उंगली से छुएं तो ऐसा लगे कि आपने तेल छुआ है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से मैं छू रहा हूँ ना, इसे रगड़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने तेल छुआ हुआ है और तेल फिसल रहा है। तो बस इसी तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा येलो फूड कलर, इससे कलर बढ़िया आ जाता है। और अगर आपके पास इलायची हो तो वो भी डाल लेना और अगर आपके पास केसर हो तो केसर के 2-4 रेशे भी डाल लेना, उससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है और कलर भी आता है। तो जो चाशनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। उसके बाद हम बनाएंगे रसगुल्ले। तो चाशनी को इस तरह से ही गर्म रखना है क्योंकि हम जब रसगुल्ले बना लेंगे तो रसगुल्ले इसमें डालकर उबालने भी है थोड़े से, तो इसलिए चाशनी को आपको गर्म ही रखना है, इसे ठंडा मत होने देना या फिर दोबारा इसे गर्म कर लेना। तो रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये सूजी ली है। तो सूजी ये जो है 1/2 कप है और ये मोटी वाली सूजी नहीं है, ये पतली वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो उसे पीस लेना, उसके बाद ही बनाना। और इसके साथ मैंने लिया है 1 कप दूध, यानी 1 कप दूध है तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में यहाँ पर मैं घी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाला है, तो घी को मेल्ट होने देंगे। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे इसमें दूध। दूध आप कोई सा ले सकते हो, भैंस का, गाय का दूध, मतलब भैंस का, गाय का फुल फैट या फिर कोई सा भी, टेंशन वाली बात नहीं। तो दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद इसे आराम से हल्के हल्के से चलाएंगे ताकि जो घी है वो दूध में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। धीरे धीरे से इसे चलाते रहेंगे और जब तक चलेंगे जब तक ये जो दूध है इसमें उबाल आना शुरू ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सूजी को इसमें डालेंगे। तो सूजी को बताऊँ कैसे डालना, सूजी को आराम आराम से डालना है, यानी कि पैचेस में डालना है, एक साथ सूजी को नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं 3 पैचेस में सूजी को डाल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सूजी डाली, उसके बाद फिर से इसे आराम से चलेंगे। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से चलाना है ताकि जो सूजी है वो नीचे ना लगे और इसकी जो गुठली सी नहीं बने। हम सूजी बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम सूजी को पहले भून लेते हैं और उसके बाद दूध डालते हैं तो उसके बाद लम्स आ जाते हैं, यानी गुठली गुठली सी बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने पहले दूध को गर्म किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सूजी को डाला है। तो आराम से पैचेस में सूजी डालते हुए इसे आराम से हिलाते हुए मिक्सअप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जो सूजी है उसने सारे मिल को एब्जॉर्ब कर लिया है और कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी हो चुकी है। तो थोड़ी देर तक इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे ताकि जब तक इसका मॉइस्चर जो है वो निकल ना जाए, रिलीज ना हो जाए। तो अभी कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है मिक्सचर, अब इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही करना इस काम को, हाई फ्लेम पर मत करना है और मेरी मानो तो लो फ्लेम पर ही करना। तो बस ये देखिए आप, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया इसने और थोड़ा सा ये मतलब कि गाढ़ा भी हो चुका है। तो बस अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये भी तैयार हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। तो करीब 1/2 घंटे के लिए मैंने इसे ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद अब मैं इसे जैसे कि हम आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका आटा लगा रहा हूँ। इसे अच्छे से रब करना है, बिल्कुल मिक्सअप कर देना ताकि लम्स ना हो और बिल्कुल ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल थिन हो जाए।
ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो अच्छे बने। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया और इस तरह से भीच जरूर लेना मुट्ठी में। उससे बीच में जो गैप होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वो नहीं आते। और उसके बाद मैंने देखिए रसगुल्ला बनकर तैयार है। इसी तरह से सारे रसगुल्लों को आपने बना लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 रसगुल्ले मेरे बन के तैयार हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर दिया। तो तेल मैंने कम लिया है, वैसे तो तेल ज़्यादा लेते हैं रसगुल्ले के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कम तेल लिया, कम ही तेल लेना और इसे मीडियम फ्लेम पर कर दिया। और उसके बाद रसगुल्लों को डाल देना है। तो यहाँ पर मैं तो 10 के 10 रसगुल्ले एक साथ डाल रहा हूँ, आप अगर ना हैंडल कर पाओ तो आप कम डाल लेना, मतलब आधा डाल लेना। तो उसके बाद इन्हें फ्राई करने देना। अब फ्राई कैसे करना है, फ्राई आपको वही मीडियम फ्लेम पर ब्राउन कर लेना, मतलब ब्राउन तो नहीं है, लाल लाल से हो जाएंगे, ज़्यादा फ्राई करना है। तो ये जो स्टेनर है ना, स्टेनर बोल रहा हूँ, इससे कलछे से मत करना, उससे क्या होगा जो आपके रसगुल्ले में फूटेंगे। और जो चम्मच लिए, चम्मच से सीधी तरफ से नहीं करके उल्टी तरफ से इसे पलटना। और ये देखिए रसगुल्ले ना हल्के हल्के से ब्राउन होने भी शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से उल्टी तरफ से इसे पलटेंगे और करीब 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हो जो रसगुल्ले हैं वो हाफ ब्राउन हो चुके हैं। और अभी हमें ना और ज़्यादा ब्राउन करना, बिल्कुल रेडिश ब्राउन करना। तो उसके लिए फिर से हमें तलने के लिए छोड़ देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट बाद, यानी कि पूरे 8 मिनट बाद, ये देखिए आप बिल्कुल ना कलर आ चुका है वही रसगुल्ले वाला। तो बस इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें सीधा हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को ना गर्म करने के लिए छोड़ रखा है ताकि जो चाशनी है वो गर्म हो जाए। तो रसगुल्ले मैंने डाल दिए चाशनी में और चाशनी भी गर्म है। अब इन्हें इस तरह से ही डले रहने देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने सूजी के जो रसगुल्ले बनाए हैं, सूजी आपको पता ही होगा अगर हम इसे तलेंगे तो बाहर की जो लेयर है, यानी कि बाहर की जो क्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उससे जो हमारा रस है वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए इसे इसमें थोड़ी देर तक आपको उबाल लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख पाएं। तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? रेड बटन आ रहा है उसे दबा दो।